हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं अपने रेसिंग ट्रैक पे। रेसिंग ट्रैक कह लो चाहे जो मर्जी कह लो, वहाँ हम जाते थे अपनी बाइक के दौड़ाने, तो वहाँ जाएंगे हम आज। और आज आपको मिलने वाला है देखने को KTM 125 वर्सेस बुलेट 350 की एक ट्रैक देखने को मिलेगी, जिसमें देखते कौन सी बाइक आगे रहेगी कौन सी पीछे, क्योंकि दोनों बाइकों में पूरा 225 cc का फ़र्क आएगा। और देखते हैं अभी ये हमारी KTM 125 बुलेट 350 को बीट कर पाती है यानी, या हमारी बुलेट 350 हमारी KTM 125 को बीट कर पाती है कि नहीं। तो जब तक आप थोड़ा अपनी मेरी कमेंट्री का थोड़ा इन्जॉय करो, और फिर सीधा मिलते हैं वहाँ पर रेसिंग ट्रैक पे, जहाँ आपको ट्रैक देखने को मिलेगी। तो भाई ये हम निकले यहाँ से बहुत ही तेज़ी से KTM RC को पीछे करते हुए, और जिस तेज़ी से हम निकले थे उसी तेज़ी से हमें यहाँ पर रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ आ गई थी लाल बत्तियाँ। और अगर हम इसे क्रॉस करते तो हमारे घर एक गवर्नमेंट हमारी मतलब ट्रैफिक RTO वाले हमारे भेजते हमारे घर पे एक चेक, जिसे देख के हमें पड़ जाता भारी सदमा, इसलिए यहाँ पे हमें रुकना पड़ा। और यहीं आपको हमारे लेफ्ट में भी देखनी पड़ेगी गुत्थम गुताई। साला मेरे पे वीडियो काहे को बना रे तू। तो भाई लोग, अब हम आ चुके हैं अपने मुल्लापुर वाले हाईवे पे। हाईवे देखते हमारे छपरी बॉय के काटता कीड़ा, जो हमसे कहता है कि आओ भाई साहब देखे जरा किसकी टंकी में है कितना तेल। तो भाई हम तो साफ साफ मना करते हैं, भैया हमारी टंकी में कोई तेल नहीं है। तो भाई साहब हमें कुछ कटु वचन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें आ जाता है क्रोध। उस क्रोध में ही हम फिर भगा। तो भाई साहब, जैसे ही हम लोग यहाँ से अपनी बाइकें भगाना शुरू करते हैं, वैसे ही आगे जाके हमारे KTM बाइक को करना पड़ता है थोड़ा सा संघर्ष, क्योंकि आगे जो ट्रक जा रहा है उसकी वजह से भाई साहब को थोड़ा मतलब एक टाइप से क्रैश होने से बचते हैं। तो देखिए जरा कैसे हमारा KTM बॉय वहाँ से बच के निकलता हैगा। नानी बाय, हैव अ ब्यूटीफुल टाइम। तो भाई यहाँ पे एक हमारा KTM पर ट्रक के वाले की तारीफ में दो शब्द कह के इतनी तेजी से आगे निकल गया कि उसने ध्यान नहीं दिया कि हम उसके लिए पीछे स्लो हुए थे। तो इसके बाद सीधा हम वहाँ पेट्रोल पंप पे मिलते हैं, क्योंकि हमने अपने बाइक में फ्यूल भी पंप करवाना था। तो वहीं भी हमारा KTM बॉय हमें बताता कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था कि मतलब ट्रक वाले ने कैसे उसकी साइड को जहाँ से ओवरटेक कर रहा था ट्रक, उसी साइड को उस ट्रक वाले ने अपना ट्रक काट दिया था, जिसकी वजह से भाई साहब बचे थे थोड़ा। और अगर वो ट्रक वाला करता तो भाई साहब सीधा जाके डिवाइडर में ही लड़ रहे थे। तो भाई साहब हमें बताते हैं सारी बात वहाँ पर, हमने कहा चलो कोई नहीं भाई, बच गया वो ज़्यादा सही है और क्या नुकसान होने से। तो भाई अब सीधा यहाँ से पेट्रोल पंप पे मिलते हैं, वहाँ से फ्यूल फिलअप करवा के फिर हम सीधा वहाँ निकलते हैं अपने ट्रैक के लिए, क्योंकि पेट्रोल पंप से वो ज़्यादा दूर नहीं हमारा ट्रैक। तो भाई हमारी बाइक में अब तेल हो गया है फुल, तो अब यहाँ से हम सीधा निकलते हैं अपने ट्रैक के लिए। जब बस जस्ट यहाँ से मेरे ख्याल से 500 मीटर भी दूर नहीं होगा। तो यहाँ भाई साहब KTM वाले मेरे कहते हैं आ जाओ आज फिर से लगाते रहे, फिर भाई साहब को यहाँ से हम पीछे पछाड़ के मारते हैं, लेकिन भाई साहब तब भी नहीं मानते हैं। फिर जस्ट यहाँ से राइट मुड़ते ही हमारा ट्रैक आ जाएगा अब यहाँ से, इसलिए हम स्लो हो गए पहले ही। यहाँ से जैसे ही हम मुड़ते हैं वहाँ पर हमें और राइडर्स मिलते हैं, जिनसे बाद में हमारी दोस्ती वगैरह होती है। तो भाई हम यहाँ से अपने इन राइडर दोस्तों को क्रॉस करके, जो अभी हमारे दोस्त बनेंगे उनको हम क्रॉस करके यहाँ से अपनी सीधा से रेस स्टार्ट कर देते हैं। तो सीधा अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं। यहाँ खेल जाता है एक निंजा टेक्निक, क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ कर देता है रेस ख़त्म, जिससे कि ना तो तुम्हारा भाई हारता है और ना तो उसे जीतने देता है, क्योंकि एट द एंड यार
निकल 125 आगे निकल जाती भाई केटीएम से थोड़ी देर में, बस थोड़ा और अगर हम लंबा भगाते तो केटीएम 125 निकल जाती, इसलिए तुम्हारा भाई पहले ही रेस खत्म कर देता है ताकि ना तो हम हारें और ना उसे जीतने दें। हाँ दे दूंगा उसमें क्या है। गाइस स्विच कर दिया हमने राइडर। तो भाई इस बारी मेरे से होता है एकदम टट्टी लाऊं जिसकी वजह से भाई मैं रह जाता हूँ स्टार्टिंग बिल्कुल पीछे, लेकिन भाई तुम्हारा भाई कल बिल्कुल स्लिप स्ट्रीम को मारते हुए निकलता आगे, भाई बाइक बिल्कुल सोता हुआ अच्छी पक्के सीधा आगे निकलता हूँ जिससे कि बुलेट उसके बाद आगे निकल नहीं पाती, भाई पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं ही आगे रहता हूँ। और भाई इस रेस के बाद अरमान भाई हमारे नहीं दिखा पाते किसी को अपनी शक्ल, क्योंकि भाई साहब अपने आप को एकदम प्रो राइडर मानते थे, बट इस बारी भाई दोनों बारी भाई हार गए, बुलेट लेके भी हार गए और केटीएम लेके भी हार गए, और तुम्हारा भाई भाई दोनों बाइकों को जिताते हुए सीधा अच्छी होते हुए निकल गया आगे। भाई यहाँ हमारी हो चुकी रेस ख़त्म, ये हमारे नकली राइडर भाई सबसे ज़्यादा हीरो बनते हैं जो दोनों बारी आ रहे भाई दोनों बारी भाई साहब शकल तो दिखाओ मास्कदार ये तो भाई अपा अपनी दोनों रेस होगी भाई, पहले राउंड में बुलेट आगे रही, दूसरे राउंड में केटीएम आरसी अपनी 125 आगे रही, और दोनों में बता दो कौन था राइडर जो जीता है, और दोनों में जो राइडर हारा भाई धन्नो को दिखा मैंने, हारने वाला राइडर ये रहा भाई अपना ये आ रहा है, मेरी तबीयत खराब है यार क्या दोबारा बोल इधर 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 फिर से बोल मुझे फीवर है फीवर है आज भाई भाई का कमेंट तोड़ा तुम्हारे भाई ने चल अच्छा क्या 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 लॉन्ग वहाँ मैं निकल गया आगे कहाँ वहाँ मैंने पता कि रोक दी थी वहाँ पे ना वो जो दिखनी था हाईलाइट सा हुआ मेरे को लगा स्पीड ब्रेक करा गया मैंने तभी स्लो तभी मैंने स्लो कर दी थी वरना वहाँ आगे तक निकाल देते। अच्छा चलो मेरे एक वीडियो ना मैं केटीएम का अच्छा आ रील बनाया। तो भाई अपनी रेस होती है ख़त्म आज की, अब मिलेंगे सीधा अगले संडे जिसमें अपनी होगी NS BS6 वर्सेस BS3 KTM भी और KTM ये नकली KTM और KTM वर्सेस KTM भी होगी MT भी होगी KTM भी होगी और चार को अब क्वाड बैटल भी होगा। तो भाई मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट संडे।